कृषि उद्यमी के यूट्यूब चैनल पर मैं हूं प्रदीप कुमार दुबे। आज हम चर्चा करेंगे सीमांत और लघु किसानों के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के विषय में। जान लेते हैं किसान कितने प्रकार के होते हैं। किसान तीन प्रकार के होते हैं, सीमांत, लघु और बड़ा बृहद। सीमांत को हम लोग अंग्रेजी में मार्जिनल, लघु को स्मॉल और बड़ा या बृहद को बिग। तीन फार्मर्स हो गए, किसान हो गए। अब जानते हैं कि आखिर इस सीमांत किसान कौन सा है, कौन किसको कहेंगे सीमांत किसान। तो जिसके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है उसको हम लोग सीमांत किसान कहते हैं। एक हेक्टेयर का क्या मतलब है, ढाई एकड़। ढाई एकड़ से कम जिसके पास जमीन है उसको सीमांत किसान बोलते हैं। इसके बाद लघु किसान, दो हेक्टेयर या पाँच एकड़ से कम भूमि जिसके पास है उसको लघु किसान कहते हैं, और पाँच एकड़ से ज़्यादा भूमि जिनके पास है उनको बड़ा किसान कहते हैं। भारत में सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं उनमें सीमांत और लघु किसान के लिए ही योजनाएं चलाई जा रही हैं। चाहे वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो, स्प्रिंकलर हो, या जो कोई भी चीज़ उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें इनकी आय को बढ़ाने के लिए 90% 75% ऐसे सब्सिडी दिया जा रहा है। तो राशन कार्ड भी इन्हीं दोनों के पास है। तो अब IFS क्यों जरूरी है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एकीकृत कृषि प्रणाली लघु और सीमांत किसानों के लिए ही क्यों है। तो चूंकि इनके पास खेत का आकार कम है तो इसलिए एक ही फार्म में हम लोग जैसे करते क्या हैं, एकीकृत कृषि प्रणाली में होता क्या है, एक ही फार्म में एक तरफ हम जैसे तालाब बना लिए, तालाब बना लिए तो तालाब बनाने से क्या फायदा होगा, उसमें मछली पालन भी होगा, कभी कभी सिंचाई भी उस पानी से हम कर लेंगे, और अगल बगल में जो खेत है मेरा खेती वाला उसमें नमी भी बना रहेगा, किनारे में तालाब के किनारे में फलदार वृक्ष, इमारती वृक्ष लगाए जाएंगे, वहाँ पर मुर्गी बतख इत्यादि को टहलने का जगह हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हम लोग कर सकते हैं उसी एरिया में गाय पालन। गाय पालन से क्या होगा, गाय से जो गोबर मिलेगा उसको हम तालाब में ले जाकर के डाल सकते हैं, मछली पालन में वो काम आएगा। गोबर से हम केचुआ खाद बनाएंगे, बर्मी वास बना सकते हैं, जीवामृत बना सकते हैं, घन जीवामृत बना सकते हैं, बीजामृत बना सकते हैं, अमृत जल बना सकते हैं, मतलब प्राकृतिक खाद, कीटनाशक, जैविक खाद ये सब बना सकते हैं, स्वरोजगार अपना सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो हम उस फार्म में करेंगे वो होगा चारा फसल। चारा फसल में हम बरसीम उगा सकते हैं, नेपियर उगा सकते हैं, अजोला उगा सकते हैं, सूडान उगा सकते हैं, और इसके बाद ज्वार, बाजरा और मक्का की खेती हम कर सकते हैं। ये चारा फसल हमारे पशुओं के काम आएगा, उन दूध उत्पादन में हमको मदद मिलेगी, ज़्यादा दूध बढ़ेगा और हमको अलग से खरीद के लाना नहीं पड़ेगा। अजोला की भी आप खेती कर सकते हैं। इसके बाद आप इसी फार्म में बागवानी, बागवानी बोले तो फल फूल और सब्जी की खेती कर सकते हैं। फल की खेती करेंगे तो कुछ दिन में आपको मिलेगा, साल में एक बार मिलेगा, दो बार मिलेगा, तीन बार भी ले सकते हैं आप, उस तरह का अगर आप वैरायटी चूज किए हैं। और सब्जी करेंगे तो सीजनल मिलेगा, तो फल फूल और सब्जी बागवानी कर सकते हैं। इसके बाद दो फसलों के बीच में हम दलहनी फसल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दलहनी फसल करने से क्या होता है,
कि राइजोबियम कल्चर दलहनी फसल के जड़ में जो गांठ पाया जाता है उस गांठ में राइजोबियम कल्चर पाया जाता है, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसको यहाँ स्थिर करता है, स्थिरीकरण हो जाता है, उससे हमारी पैदावार अच्छी होती है और नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है, स्वतः हो जाती है। तो इस प्रकार से एकीकृत कृषि प्रणाली में हमारी सारी व्यवस्था, हमको बाजार में कुछ खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जब आवश्यकता होती है तो हमारे पास ही उपलब्ध होती है। तो एक छोटा किसान, एक सीमांत किसान एकीकृत कृषि प्रणाली को अपना करके स्वरोजगार का एक अच्छा साधन बना सकता है, अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। तो फिर मिलेंगे एक नए और रोचक टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।